सावन में ही ज़्यादा लोग पवित्र मानते हैं देवघर में आना। सावन तो बसंत का मौसम है, वर्षा का मौसम है और सावन तो सब्जियों से चले आ रहा है, नया बात है नहीं। ये भी मतलब लोग देख सकते हैं, भक्त लोग यहाँ पे अपने अपने हाथों में जल लेकर देवघर की नगरी में सीढ़ी से होते हुए और बाबा के दरबार में हर हर महादेव पम पम भोले। आप लोग देख सकते हैं हम अभी देवघर नगरी में मौजूद हैं और अभी मल्ल मास का महीना चल रहा है और मल्ल मास के महीने में भी देवघर नगरी में काफ़ी सारे भक्तों का भीड़ यहाँ पे लगा हुआ है। मल्ल मास के महीने में ज़्यादातर यहाँ पे यूपी और एमपी के भक्त यहाँ पे ज़्यादातर पहुँच रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अभी मल्ल मास का महीना है और आप लोग देख सकते हैं देवघर नगरी में किस तरीके से यहाँ पे भक्तों का भीड़ लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं लगातार यहाँ पे भक्त एमपी और एमपी के से चल कर आ रहे हैं और बाबा धाम देवघर की नगरी में दर्शन कर रहे हैं और अपना अपना जल अर्पण कर रहे हैं बाबा को। पताका बांधा जा रहा है और अभी मल्ल मास का मेला चल रहा है तो इसमें कैसा भीड़ लग रहा है देवघर में? कोई विशेष नहीं कि मेला लग रहा है जी, हर प्रांत का लोग आ रहा है, चाहे वो बिहार रहे चाहे वो झारखंड रहे, हर प्रांत का लोग कम से कम ज़्यादा यूपी एमपी का लोग आता है बिहार का। बिहार मल्ल मास का क्या कुछ महत्व होता है? मल्ल मास मतलब पुरुषोत्तम हनुमान का मास है, उत्तम कोई मास नहीं होता, इतना मास है ना, इससे विशेष प्रखंड मास है, पुरुषोत्तम मास अधिक मास है मल्ल मास। बिहार में अगर ज़्यादातर देखा जाए तो श्रावण में ही ज़्यादा लोग पवित्र मानते हैं देवघर में आना। सावन तो बसंत का मौसम है, वर्षा का मौसम है और सावन तो सब्जियों से चले आ रहा है, नया बात है नहीं। ये भी मल्ल मास अभी सावन में 19 वर्ष के बाद लगा, इसीलिए महत्ता है इसमें भी। तो मल्ल मास के महीने में सबसे ज़्यादा कहाँ से भक्त लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पे? यूपी एमपी से, यूपी ज़्यादा है, गंगोत्री यमुनोत्री का प्रयागराज कर ज़्यादा करता है बाबा, गोपालगंज का कम करता है, इसमें प्रयागराज का जल जो ज़्यादा करता है। आप लोग देख सकते हैं बाबा बता रहे हैं कि अभी जो मल्ल मास का समय चल रहा है इस महीने का भी काफ़ी कुछ महत्व होता है और आप कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से। प्रयागराज जी बम जी, कितना टाइम लगा था? 4 दिन लगा। रास्ता में व्यवस्था कैसा था? रास्ता में व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था। पूजा में कितना देर लाइन में थे? 4 का 9 लगा। मंदिर उतनी प्यारी है और अच्छा लगा। लाइन में कितना देर लगे थे? बोले बाबा हम लोग तो प्रसन्न है, प्रसन्न है जी। लाइन में छाले वगैरह भी आए थे रास्ते? आए बहुत, आए बहुत आए, कुछ है लेकिन बोले बाबा देर है, बाबा बुलाएंगे तो हम आएंगे। यहाँ के बाद कहाँ जाने का विचार है? आप लोग देख सकते हैं भक्त लोग यहाँ पे अपने अपने हाथों में जल लेकर और देवघर की नगरी में सीढ़ी से होते हुए और बाबा के दरबार में अपने अपने हाथों में डाल लेकर और बाबा के मंदिर की तरफ बढ़ा रहे हैं। परिवार समस्त महिला बाल कल्याण आत्मनिर्भर सरकार